नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और ये जो वीडियो हम लोग लेके आए हैं, खासकर मैन पावर सप्लाई और जो लेबर सप्लाई का काम होता है कंपनियों में, या आप लेबर बोलिए या गुड क्वालिटी एम्प्लॉय बोलिए, वाइट कॉलर बोलिए, सभी तरीके का। तो अगर आप इस तरह की कंपनी चलाते हैं तो आपको कैसे टेंडर मिल सकता है गवर्नमेंट में और क्या क्या चीज़ें आपको मेंटेन करनी पड़ती हैं, उसके बारे में ही आज हम लोग आपको एक कटिंग के द्वारा दिखाने वाले हैं। तो ये देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल कमिश्नर सेंट्रल जीएसटी सेंट्रल एंड सेंट्रल एक्साइज पटना 1, 3rd फ्लोर सीआर बिल्डिंग, ठीक है। इसमें एड्रेस दिया हुआ है पटना 1। तो इनका क्या है, इन्वेस्टेशन फॉर ई टेंडर फॉर प्रोवाइडिंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड मेंटेनेंस एंड हाउसकीपिंग सर्विसेज, यानी इनको जो है, ये गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है और इनको हाउसकीपिंग के लिए, हाउसकीपिंग और मेंटेनेंस के लिए कंपनियां चाहिए जो इनको मतलब अपना मैन पावर प्रोवाइड करा पाएँ इनके ऑफिस बिल्डिंग मेंटेन के लिए। अब हाउसकीपिंग में क्या होता है, जैसे हाउसकीपिंग में सफाई का काम हो गया, मेंटेनेंस का काम हो गया, ऐसे जो काम हैं वो गवर्नमेंट क्या करती है, इसको आउटसोर्स करती है। अब इस तरीके से उसका टेंडर निकलता है आउटसोर्सिंग का, और जो भी कंपनियां मान लीजिए इस तरह की ऑब्जेक्शन के साथ कंपनी बनाए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव के साथ बनाए हुए हैं कि उनको मैन पावर सप्लाई करना है, चाहे सिक्योरिटी हो या हाउसकीपिंग हो, ये सारी चीज़ें, तो वो इसमें एप्लीकेशन करती हैं। अगर आप भी मान लीजिए अपनी कंपनी को इस तरीके से फॉलो करके, अगर टेंडर को फॉलो करते हैं और कंपनी है आपकी, तो आप भी चाहें तो ऐसी एप्लीकेशन करके गवर्नमेंट का टेंडर उठा सकते हैं। अब ये 2 से 3 साल के लिए लगभग ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मिलता है। अगर आपकी कंपनी है तो आपको क्या चाहिए, सबसे पहले तो आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना चाहिए या पार्टनरशिप कंपनी होना चाहिए, प्रॉफिटेबल कंपनी हो तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद मिनिमम आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी आप कहीं भी आपने 3 साल काम लिया हुआ है, और उसका वर्क ऑर्डर भी आपके पास होना चाहिए, प्लस आपके पास GST होना चाहिए, आपका करंट अकाउंट होना चाहिए, TDS होना चाहिए, और लेबर लॉ के तहत SIPF का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, प्लस ISO 9000, ISO 14000 और ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन, यही कंपनी आपकी है, और वेबसाइट, ये सारी चीज़ें जो हैं चाहिए होती हैं अगर आप कोई भी कंपनी चलाते हैं, प्लस DSC जो होता है Class 3 का, जिससे टेंडर फाइलिंग होता है, वो तो बेसिक चीज़ है, आप जानते ही होंगे, और जैम में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा तो और भी अच्छा होगा, जैम से भी इस तरीके की सर्विसेज मिलती हैं। तो अगर ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप ऐसा कोई भी टेंडर जो इस तरीके से न्यूज़पेपर में निकल रहा है, आप निकाल के उसका देखिए वेबसाइट, जैसे इन्होंने दिया हुआ है epqr.gov.in या www.cbec.gov.in, ऐसे में जाके आप ऐसे वेबसाइटों पे जाके इनका सारा कुछ निकाल सकते हैं डिटेल, और फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब देखिए, इन्होंने 3/10 को लास्ट डेट दिया हुआ है 3 बजे तक, उस 3/10 को 3 बजे तक, इतना बजे तक आप आराम से जाके इनको बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं, और बाई पोस्ट ही भेजा जाता है ज़्यादातर, या खुद भी जाके टेंडर जो है आप फाइलिंग कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन तो फाइलिंग कर दीजिएगा तो हो जाएगा, ये दोनों तरीका होता है। अगर आप भी इस तरह की कंपनी चला रहे हैं तो इस तरीके का टेंडर सिस्टम जो है फॉलो कीजिए, ताकि आपको एक परमानेंट सोल्यूशन मिल जाए। यानी अगर आप लेबर पावर सप्लाई कर रहे हैं तो 3 साल के लिए काम मिले तो काफ़ी अच्छा रहता है आपके लिए भी और आपकी कंपनी के लिए भी, और इस तरीके से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट भी आप पकड़ सकते हैं और काम को ले सकते हैं। अगर आपको इस तरह का कंपनी बनाना है हाउसकीपिंग सर्विस से रिलेटेड, और इस तरीके का काम लेना है, यानी प्रोसेस समझना है कि कैसे टेंडर फाइल किया जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट पहले रेडी किया जाता है, तो हमारी कंपनी पूरी ये काम करवाती है, प्लस लोन का भी फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं जो मान लीजिए नया कंपनी है उसके लिए। तो अगर आपको ये सारी सर्विसेज अच्छी लगे, या आप चाहते हैं कि ये सर्विसेज या इस फील्ड में आए, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9230222490, और अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों हमारा चैनल है और हम लोग इस पे बहुत अलग अलग तरीके के नए नए वीडियोस हमेशा लाते रहते हैं, आप भी देखिए अगर आपको फ़ायदा मिलता है हमारे इस चैनल के थ्रू। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।